चलो अभी अपने एग्जाम्पल नंबर 29 यानी कि जो कार्य क्षमता के गुणोत्तर थे उसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट है देनदार का गुणोत्तर और लेनदार का गुणोत्तर उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देनदार के गुणोत्तर से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 29 उदाहरण 29 जो हमको दिया है आरआर कंपनी लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी पर से देनदारों का टर्नओवर और वसूली मुद्दत मास सप्ताह और दिनों में ज्ञात करनी है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूले हमने इसके बारे में स्टडी किए थे पहले से ही। देनदार का टर्नओवर क्या, तो देनदारों का टर्नओवर किस तरह से निकालते हैं उसका सूत्र हमारे पास में माइंड में होना चाहिए। तो पहले मैं लिखूँगा देनदारों का टर्नओवर यानी कि उधार बिक्री बटे औसत व्यापारी लेना। देनदार हो तो यहाँ पर लेना आएगा, ध्यान रखना है। औसत व्यापारी लेना। अब उधार बिक्री हम ढूंढेंगे, पहले तो इसमें इन्फॉर्मेशन में देखो दी है कहीं उधार बिक्री, कहीं नहीं है, लेकिन उसके लिए हमको कुछ दूसरी सूचना दी हुई है। तो लिखेंगे उधार बिक्री बराबर सूत्र मैंने लिखाया था कुल बिक्री माइनस रोकड़ बिक्री। कुल बिक्री दी हुई है देखो हमको, और रोकड़ बिक्री भी दी हुई है, और बिक्री वापसी हो तो ढूंढ लेने का, अगर हो तो माइनस करने की, अदरवाइज नहीं। कुल बिक्री दी है 40 लाख। कितनी दी है? 40 लाख। उसमें से 3,50,000 रोकड़ बिक्री भी दी हुई है। रोकड़ बिक्री 3,50,000, तो बचेगा कितना? 36,50,000। ये हमको मिल गई क्या? उधार बिक्री। लेकिन अभी भी हमारे पास में औसत व्यापार लेना नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे क्या? औसत व्यापारी लेना। अब औसत व्यापार लेना के लिए सूत्र मैंने लिखवाया था प्रारंभिक देनदार प्लस लेनी हुंडी, देनदार और लेनी हुंडी प्लस अंतिम देनदार और लेनी हुंडी। बटे में कितना? 2। तो देखो प्रारंभिक कितना? 4 लाख, और अंतिम कितना? 3,30,000, 3,65,000। बटे 2 करेंगे तो 2। तो हमको दोनों चीज़ मिल गई, उधार बिक्री मिल गई और औसत व्यापारी लेना भी मिल गया है। तो देखो यहाँ लिख देंगे हम उधार बिक्री हमारे पास 36,50,000 बटे औसत व्यापार लेना है हमारा 3,65,000, तो आएगा कितना? 10। और इसका आंसर के पीछे हम क्या लगाते हैं? बार। जब भी यहाँ टर्नओवर शब्द आएगा हम हर बार क्या लिखेंगे आंसर में? बार पीछे, 10 बार, ठीक है। अब वसूली मुद्दत भी निकालनी है हमको, क्या बोला है? वसूली मुद्दत। तो देखो वसूली मुद्दत कैसे निकालनी है, वसूली मुद्दत को 3 अलग अलग भागों में निकालना है हमको, ध्यान रखना है। तो पहले मैं लिखूंगा दिन में, फिर लिखूंगा सप्ताह में, और फिर हमारे पास में आएगी मास में यानी कि माह में, महीने में, ठीक है। तो दिन में होगी तो हम क्या लिखेंगे? दिन कितने होते हैं? 365। बटे में देनदार का टर्नओवर क्या आएगा? 365 बटे में देनदार का टर्नओवर कितना है? 10। कितना आ जाएगा? 36.5 यानी कि 37 लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, 37 दिन। अब सप्ताह में, सप्ताह कितने होते हैं एक साल में? बटे में क्या आएगा? देनदार टर्नओवर क्या आएगा? देनदार टर्नओवर। तो लिखेंगे 52/10 यानी कि 5.2 सप्ताह। 5.2 सप्ताह में हमारा पैसा है वो पूरा वसूल हो जाएगा, ऐसा कहने का मतलब हुआ इसका। अब हम माह में, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो देनदार टर्नओवर उसके बटे में लिखेंगे 1.2 मास, 12/10 हमारा टर्नओवर इतना ही है इसके लिए। तो यहाँ लिखेंगे 1.2 माह यानी कि महीने, ठीक है। यह हमारा किस तरह का देनदार का टर्नओवर निकाला, उसके साथ में उसकी वसूली मुद्दत
इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक और ले रहे हैं, उदाहरण 30। खास चीज हमको पहचानने क्या है कि हमको व्यापार लेना में क्या आता है और उधार बिक्री में कौन कौन सी चीजों का समावेश होता है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना हमको। 30 में लिखा है, आरएच कंपनी लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी पर से देनदार टर्नओवर और वसूली मुद्दत दिनों में ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या निकालना है, देनदार टर्नओवर, सूत्र होता है उधार बिक्री बटे औसत व्यापारी लेना। ओके, थोड़ी जगह छोड़ देनी है, फिर हमको लिखना उधार बिक्री, कहीं से भी ढूंढना पड़ेगा या तो, या फिर दिया होगा डायरेक्टली। देखो ना तो बिक्री दी है, सिर्फ रोकड़ बिक्री दी है, तो पहले तो हमको कुल बिक्री ढूंढनी पड़ेगी। सूत्र क्या होता है उधार बिक्री का, कुल बिक्री माइनस रोकड़ बिक्री। तो देखो रोकड़ बिक्री दिया लेकिन कुल बिक्री और उधार बिक्री दोनों ही नहीं है, तो छोड़ देते थोड़ी देर के लिए इसको भी। अब हम क्या निकालेंगे, पहले कुल बिक्री निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल बिक्री का सूत्र मैंने लिखाया था, बेचे माल की लागत प्लस सकल लाभ। क्या लिखाया था, बेचे माल की लागत प्लस सकल लाभ। दोनों में से कोई भी चीज़ हमको दिए हो तो पहले यही सूत्र हमको लगाना पड़ेगा। देखो दोनों ही दिए हमको, बेचे माल की लागत भी दी है, बिक्री माल की लागत 48 लाख, प्लस सकल लाभ दिया 12 लाख, और टोटल हो जाएगा हमारे पास 60 लाख। सकल लाभ हमको देखो लिखा हुआ 12 लाख का, टोटल होगा हमारे पास 60 लाख, यानी 60 लाख। अब कुल बिक्री को हम यहाँ रखेंगे, उसमें से रोकड़ बिक्री देखो कितना में लिखी हुई है, 12 लाख, बचेगा कितना, 48 लाख। कितना बचेगा, ओके रोकड़ बिक्री हमारे पास यहाँ लिखी हुई है 12 लाख, तो हमको उधार बिक्री मिल गई है कितनी है, 48 लाख है, लेकिन अभी भी औसत व्यापारी लेना बाकी है। तो देखो औसत व्यापार लेना का सूत्र लगाएंगे अब हम, औसत व्यापारी लेना। औसत व्यापार लेना मतलब होता है प्रारंभिक व्यापारी लेना, जो कि हमको बुक में लिखा हुआ है। देखो प्रारंभिक भी लिखा है और अंतिम भी लिखा है, लिखा है प्लस अंतिम व्यापारी लेना, बटे में क्या करना होता है हमको, 2। तो प्रारंभिक व्यापार लेना 2,30,000 दिया है और प्लस 1,70,000 दिया है, टोटल 4 लाख होता है, उसको 2 से भाग देंगे तो 2 लाख हमारे पास आ जाएगा। क्या, 2 लाख औसत व्यापारी लेना। ठीक है, अब इसको हम भाग देंगे इसके अंदर तो कितना आएगा, 24 बार। कितना आएगा, 24 बार। इसका आंसर हमको किसमें लिखना होता है, बार में, इसके लिए 24 टाइम्स। अब हमको क्या पूछा है, वसूली मुद्दत पर दिन में खाली, तो लिखेंगे वसूली मुद्दत, किस में पूछी है, दिन में, तो लिखेंगे दिन कितने होते हैं साल में, बटे में क्या लिखते हैं हम, देनदार टर्नओवर। क्या लिखते हैं, देनदार टर्नओवर। तो 365 बटे में कितना करेंगे, 24। देनदार टर्नओवर हमारे पास कितना है, 24 बार है, इसके लिए 24 से हम भाग देंगे इसके अंदर, कितना आएगा, 15.21। दिन में है तो हम 15 लिख देंगे, अगर 0.5 के से बड़ा होता तो 16 कर देते, लेकिन ये तो 0.5 से छोटा 21 है, तो 15 दिन क्या हो जाएगा, 15 दिन में हमारा वसूली हो जाएगी। ये कहने का मतलब ये दर्शा रहा है। ये था हमारा क्या, देनदार का। अब इसी प्रकार से अपने को कौन सा करना होता है, लेनदार, कौन सा, लेनदार का।